मैं बहुत खुश हूँ फाइनली हमारी जो ये जर्नी थी दीप्ति मैम के लिए तो एक साल की जर्नी थी, मैं भी दिसंबर से इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हूँ, तो फाइनली एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस. मैं बहुत खुश हूँ. जानवी अभी आप सबको दिखेगी, आप सबसे मिलेगी और हमारा एक भ्रम आप सब देख पाएंगे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एज वेल एज नर्वस. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं कुछ और करना चाह रही थी, डिफरेंट करना चाह रही थी क्योंकि अब तक मैंने हर कैरेक्टर किया है बट कम्प्लीटली पॉजिटिव किया है. फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट. लेयर्ड कैरेक्टर है, मैं नहीं कहूँगी डार्क है, ब्लैक है. कोई इंसान पूरा डार्क नहीं हो सकता. शी इज़ जस्ट अ नॉर्मल गर्ल बट वो क्यों ऐसी है वो आप सबको दिखेगा कल से. किरदार के लिए मैं यही कहूँगी, जानवी मित्तल एक सर्वगुण संपन्न बहू है मित्तल परिवार की, पर ऐसा नहीं है, वो एक भ्रम है. और वो भ्रम क्यों है और वो क्यों ऐसा सब कर रही है आपको बहुत जल्द हमारी कहानी में दिखेगा एंड आप लोग जानवी से प्यार कर रहे हैं. ऑफ स्क्रीन हमारी फैमिली सच में बहुत परफेक्ट है. टचवुड टचवुड हम बहुत मस्ती करते हैं ऑफ स्क्रीन. अभी भी आप देख रहे होंगे मेरी जो कजिन्स प्ले कर रहे हैं इन द शो चिल्ला रहे थे मैम सेल्फी. तो दैट्स हाउ वी आर. जैन है, जैन इतनी मस्ती करता है. तन्वी है, बड़ी क्यूट है, मज़ा आता है. वी ऑल ईट लंच टुगेदर इतनी गर्मी में भी. सो वी आर ट्राइंग टू हिट द कॉर्ड राइट एंड आई थिंक हो गया है और वो आप सबको स्क्रीन पर दिखेगा भी क्योंकि वी ऑल आर यू नो इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर. मैं कहूँगी मेरा परिवार ही स्टार परिवार हो चुका है अभी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट दिस इज द फोर्थ शो. इनफैक्ट अगर दीबीओ और इश्कबाज को हम काउंट करें तो स्टार के साथ एंड आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स एंड आई फील द लकीएस्ट. मैं कहूँगी कि इससे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ कभी हो नहीं सकती. और पता नहीं किस तरह के मेंटालिटी आजकल लोगों में हो गई है कि फेस्टिवल के दिन लोग प्रे कर रहे हैं एंड दिस इज़ समथिंग वेरी सैड दैट इज़ हैपेंड एंड आई डोंट नो. सुबह से मुझे बहुत डल फील हो रहा था बट ऑब्वियसली वी हैव टू, दिस इज़ मुंबई, शो मस्ट गो ऑन एंड माई प्रेयर्स आर विद श्रीलंका. व्यूअर्स को मैं वही कहूँगी, जानवी मित्तल को आप सबका प्यार चाहिए, पूरे मित्तल परिवार को आप सबका प्यार चाहिए. बहुत सारी कहानियाँ हैं हमारे परिवार के अंदर एंड हर किरदार अलग है. वी ऑल आर ब्यूटिफुल कैरेक्टर्स. तो आप उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने हमें दिया है, श्रेनू को दिया है, जैन को दिया है, तन्वी को दिया है, आयुब सर को दिया है, उतना ही हमारे किरदार को भी चाहिए. मित्तल परिवार को प्यार दीजिए. कल ही तो दी थी. बल कुछ माइंड में नहीं चल रहा ना ही. अगर आप पूछेंगे कि मैं नर्वस हूँ तो मैं नहीं, बिल्कुल नर्वस नहीं, बिल्कुल एक्साइटेड हूँ कि भाई हमारा शो पहली बार मैं खुद किसी शो के स्क्रीनिंग पे आया हूँ. होता नहीं है कि किसी टेलीविजन शो को आप एक थिएटर में दिखाएं. तो आई थिंक इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग कि यार आज कुछ ऐसा हो रहा है एंड आई एम पार्ट ऑफ इट, सो जस्ट एक्साइटेड. और कुछ काफी डिफरेंट है. वेल सास बहू से डिफरेंट तो है ही, एट द सेम टाइम बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इसमें. मैं कबीर मित्तल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो कि एक आदमी पर्सनल है एंड उसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी जो वाइफ है, उसकी जो भाभी है, उसकी जो फैमिली है, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक छत के नीचे हो रही हैं एंड कैसे वो अपनी वाइफ को एक्सेप्टेंस दिलवा रहे हैं. सो वो बहुत चीज़ें हैं. आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. आई थिंक प्रोमोज लुक्स प्रॉमिसिंग, सो जस्ट वेट एंड वॉच. एक्सपीरियंस कास्ट है, आई थिंक ब्रिलियंट कास्ट है. आयुब सर मेरे डैड प्ले कर रहे हैं सो आई थिंक इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट एक्टर्स एंड फिर सानी साहब हैं जो दादू प्ले कर रहे हैं. बहुत अच्छी कास्ट है. आई थिंक इट्स गोना बी अमेजिंग टू वर्क विद ऑल दी कास्ट मेंबर्स. ऑफिस में अच्छा रहता है यार, हम लोग लंच में एक साथ खाने खाते हैं क्योंकि अक्सर आप देखेंगे सेट पे होता क्या है कि सब लोग अकेले अलग अलग खाना खा रहे होते हैं. सो हम लोग वी गाइज मेक श्योर कि हम लोग साथ में बैठ के एक छत के नीचे आधा घंटा स्पेंड करें, साथ में खाना खाएं एंड सो आई थिंक दैट्स स्पिरिट. आपको
हालांकि ज़्यादा मैंने रीड नहीं करा उसके बारे में, बट जो बॉम्ब जो ब्लास्ट हुए हैं आई थिंक बहुत ही हॉरेंडस क्राइम है जो भी चीज़ हुई है. एंड विद रेस्ट ऑफ आई थिंक आई डोंट नो आई एम जस्ट सैड टू हियर अबाउट ऑल दैट जाज यार, कि जो भी चीज़ है बड़े इनह्यूमन चीज़ है. एंड आई डोंट नो कि लोग ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं, आई मीन व्हाई डू दे कमिट सच हॉरेंडस क्राइम्स यार, जस्ट वेरी सैड टू नो दैट. मैं मेरे भाई मेरे दोस्त को बहुत 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 बधाई देना चाहूँगा. विश हिम ऑल द बेस्ट. उसका शो आ रहा है आज, स्क्रीनिंग है. और मैं मेरा शूट था जल्दी से कंप्लीट करके आया. मैं कह यार स्क्रीनिंग पे जाके देखता हूँ. सो मैं उसको बहुत बधाई देना चाहूँगा. उसका शो हिट, सुपर हिट, सुपर डुपर हिट हो. देन ऑफकोर्स यार भाई है, प्लस ह्यूज फैन फॉलोइंग है उसकी, तो वो भी एक्साइटेड होंगे, उसके फैंस भी एक्साइटेड होंगे और मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त मेरे भाई जैसा है वो. तो मैं देखना चाहूँगा कैसा काम किया उसने. मेरे या जैन के, मेरे फैंस को भी बोलना चाहूँगा कि आप मेरा शो तो देखते रहिए, प्लस मेरे शो के साथ साथ आप जैन का नया शो आ रहा है कल से, वो भी देखिए. प्लीज़ डू वॉच. थैंक यू. कहना चाहूँगी मेरी दोस्त की आज शो की बहुत ही खूबसूरत स्क्रीनिंग है. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक श्रेनू ने ऐसा कुछ रोल नहीं किया है पहले. ऑफकोर्स एज जैन ऑल्सो दोनों के साथ हमने इशबाज में काम किया है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई जस्ट विश देम लक एंड आई कांट वेट कि अंदर क्या होने वाला है एपिसोड में, क्या क्या उसकी वो जो एक स्मर्क है जो इतनी फेमस हो गई है, तो मैं उसको रेप्लीकेट आज करने की कोशिश की थी जो वो ऐसे करती हैं. आई एम वेरी हैप्पी फॉर द प्रोड्यूसर्स, फॉर द चैनल एंड एवरीबडी. दोनों की, क्योंकि श्रेनू इज डूइंग समथिंग डिफरेंट. जैन तो बहुत ही चार्मिंग है, तो मैं देखती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कैसे अपना चार्म बिछाएंगे. और बाकी पूरी कास्ट के लिए भी, बिकॉज आई थिंक दे हैव सम अमेजिंग कास्ट हु इज गॉट टुगेदर टू बी इन द शो. स्टोरी बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि क्या है, मैं कल ही किसी से बात करी थी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द शो. और बहुत मज़ा आता है ना इसे देखने में कि कौन कैसे सताएगा, और श्रेनू परफेक्टली वो प्ले करेगी मुझे ऐसा लगता है, जो वो सताएगी लोगों को. आई एम एक्चुअली बड़ी थोड़ी सेडिस्ट हूँ इस समय, बट आई लव टू वॉच व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. मैं आज ही उसके बारे में ट्वीट किया. इट्स वेरी वेरी सैड, इट्स एक्सट्रीमली ट्रैजिक. आई थिंक इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग. आई वॉज प्लानिंग टू गो ऑन अ हॉलीडे बट लुकिंग एट द सिचुएशन, आई मीन आई एम एक्सट्रीमली सैडेड. मैंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम बना है और इट्स मैंने भी इतने सीरियल्स किए हैं, ये लाजवाब चीज़ है और आप जब देखेंगे तो आपको उसका एहसास हो जाएगा. हाँ, इसमें जो मेरा कैरेक्टर था वो बड़ा दिलचस्प था. कैरेक्टर वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अब आगे जाके क्या होगा आई डोंट नो, बट आई लाइक द स्टोरी वेरी मच. कहानी इसकी बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही अद्वितीय है. मतलब ये सीरियल चला था मद्रास में कुछ 6-7 साल, इसका नाम वहाँ पे दूसरा था, आनंदम था. अब उधर से इन्होंने कहानी ली है, तो वहाँ अगर इतने साल चली तो यकीनन इसका कहानी बड़ी फैंटास्टिक है. आप स्क्रीन प्ले राइटर से पूछिए, मुझे क्या मालूम यार, ट्विस्ट तो आते रहते, हमें जो मिलता है उसको याद करके बोलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू माय कैरेक्टर. किस तरह का एक्सपीरियंस रहा जैन है? पार्ट क्या कहा? किस तरह का एक्सपीरियंस रहा कास्ट के साथ में काम करने? अरे बड़े सब अपने यार दोस्त हैं, मैंने दूसरी जगह पे भी बहुत काम किया है, मगर इस बार मैंने इन सबको बोला कि पहली बार देख रहा हूँ कि सब एक परिवार सा बन गए, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं. इट्स वंडरफुल. और अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े अच्छे लोग हैं सब. बहुत वी आर वेरी लकी टू हैव अ वेरी फाइन कास्ट. ऑडियंस को हमारी परीक्षा सहने की तरफ से नमस्कार, और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बड़ा ही अद्वितीय
बहुत ही बढ़िया सीरियल है और मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बहुत से सीरियल्स में काम कर चुका हूँ आप जानते हैं, तो बस यही कहना चाहूँगा कि बड़ी खुशी होगी अगर आप सब देखेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि ये आप बहुत बहुत संतुष्ट और खुश होंगे देखकर। आज विजुअल हो गया। थैंक यू। So this is my first show, this is my debut on television and I'm actually extremely excited because my debut is on Star Plus and it's one of the best team I'm working with and I couldn't have asked for a better show. So main bahut zyada khush hu aur main Indore se aati hu aur mera show bhi Indore mein based hai, so that is also something that I connect with, so I'm really happy about the show and I'm really really excited. I can't wait for you guys to see it. My character is Sonali Mittal and she is the only daughter of the Mittal family, of the famous Mittal family from Indore, and she is the youngest of all the cousins and siblings. So her character and her journey will unfold many layers in the show as you proceed. So my entire star cast is already like a family. We started shooting in January, so ab 2-3 mahine beet chuke hain aur hum log ekdam hamara bond jo ekdam family ki tarah ho gaya, especially Shrenu aur main, hum log bahut masti karte hain set pe, hum log bahut funny Instagram videos banate hain aur hum log ek dusre ki kafi taang kheenchte hain. Tanvi to bahut hi softy hai, uska hum bahut mazak banate hain aur she is like very 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 lovely. Zain is also very lovely. Ayub sir, Parikshit sir, I love all of them. Purva ji se mujhe bahut kuch seekhne ke liye mil raha hai aur wo mujhe bahut kuch sikhati hai acting ke bare mein bhi, set pe kaise rehte hai uske bare mein bhi. So I'm having the best time. This is the best team. Lastly, audience se kya kehna chahiye? I want to thank all of you for loving the promo so much and for sending so many good wishes already. And I'm really, really excited for you guys to see the show. And please watch our show every day, Monday to Friday, 7 p.m. on Star Plus. Thank you. Thank you. ओहो जी जी माँ मेरी, और इतने जल्दी इतना अच्छा और नया शो मिल गया, तो जी जी माँ से ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ उनके शो के लिए। प्रोमो तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा और स्पेशली मैं जानवी के कैरेक्टर को जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो उनका देखने के लिए एक्साइटमेंट।
जनता को उसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी कि तन्वी अब तक दिखी क्यों नहीं है, जीजीमा क्यों नहीं दिख रही है जबकि है वो शो में। तो वही एक आई फील के वही एक ट्विस्टिंग पॉइंट है कि जीजीमा कब दिखेगी और किस रूप में दिखेगी, तो उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। लुक को लेकर मैंने कोई प्रिपरेशंस नहीं की है। मैं आज सुबह कहीं आउट ऑफ टाउन गई थी तो मैं बाहर आई हूँ आज और एकदम जो मिला पहन लिया और आ गई मैं, क्योंकि स्क्रीनिंग मेरी थोड़ी है, स्क्रीन तो जीजी माँ की है, वो ज़्यादा सुंदर दिखेगी आज। तो आप दोनों के फैंस के लिए एंड जीजी माँ के लिए क्या? स्पेशली मैं जीजी माँ के लिए कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कल से देखिए 7 बजे एक ब्रह्म सर्वगुण संपन्न। आई होप आप सबको बहुत 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 पसंद आएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरा अभी तक का सबसे बड़ा शो है तो नर्वस हूँ बहुत ज़्यादा, एक्साइटेड भी हूँ बहुत ज़्यादा और अच्छा शो है। मैं चाहूँगी कि सब लोग देखें, सैंपल करें। एक अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ी डिफरेंट है, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग बहुत सारा प्यार दें। पॉजिटिव रोल में देखा है। सी जानवी का कैरेक्टर, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती लेकिन जानवी का कैरेक्टर अपनी जगह पे बहुत जस्टिफाइड है द वे शी इज़। हर बेटी या हर लड़की वैसी हो सकती है, तो मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो बहुत पॉजिटिव हो, जो जिसकी इमेज बहुत पॉजिटिव हो, जिसकी वाइब बहुत पॉजिटिव हो। और शेनू बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उसकी वाइब बहुत पॉजिटिव है, उसने अभी तक सारे पॉजिटिव रोल किए हैं। सो मुझे शेनू ही चाहिए थी इस शो के लिए और तब वो इश्कबाज़ कर रही थी। सो इनफैक्ट मैंने इश्कबाज के मेकर्स को बोला कि मुझे किसी तरीके से ये लड़की ही चाहिए एंड थैंकफुली स्टार ऑल्सो अग्रीड विथ माई कास्टिंग एंड दे लव्ड हर। सो दैट्स हाउ शेनू हैपन। टाइम स्लॉट में मेरा कोई से नहीं है ऑनेस्टली, बट हाँ आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज स्टार ने बहुत अच्छे सक्सेसफुल शोज डिलीवर किए हैं 7 बजे। सो आई एम रियली हैप्पी विद द टाइम स्लॉट। आई एम वेरी हैप्पी विद स्टार ने ओवरऑल जितना हमें प्रमोट किया है, हर जगह ब्लास्ट किया है, सो आई एम रियली हैप्पी विद एवरीथिंग दैट स्टार इज़ एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू दैम। यू उसको ये कहूँगी कि प्लीज़ देखिए, बहुत मेहनत की है, 1 साल से मैं ये शो बना रही हूँ और बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। प्लीज़ देखिए, सैंपल करिए, आई होप आप लोगों को पसंद आए। थैंक यू। आप पहले आ जाइए, पूछना क्या पहले बता दीजिए। माइंड में कुछ नहीं चल रहा, दिल में चल रहा है धक 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 धक। ये मेरा फर्स्ट टाइम है स्टार प्लस के साथ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मैं आपको देखूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि ये सब ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। किस तरह के किरदार में नजर आने वाली हैं? मैं किस किरदार में? वही जो आपको खुशी दे, जो आपके दिल तक पहुंचे। और मैं आपको बता दूं, नमस्कार, मैं हूं चंदा, ट्राइब्स लेके आ रही हूं कुछ आपके लिए जो आपको बहुत एक्साइट करेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा।
नेक्स्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत डर लग रहा था मुझे, मेरे लिए नया है ये, मेरा पहला सीरियल है जो सास बहु मतलब डेली सोप टाइप्स है तो अब तक मैंने कॉमेडी किया है तो बहुत लाउड परफॉर्म करना होता था, तो मैंने शुरुआत में यहाँ भी लाउड परफॉर्म किया, बहुत कुछ अलग था वो, तो अभी डायरेक्टर चेंज हो गए तो वो कैरेक्टर भी चेंज हो गया, थोड़ा सटल हो गया है और मुझे करने में बहुत तकलीफ़ हुई लेकिन सर ने निकाल लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये कुछ नया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हाय, मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग सब बहुत मेहनत से तैयार कर रहे हैं, शो बहुत अच्छा बन रहा है और एज एन एक्टर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर देखिए क्योंकि ये सबसे अलग है और बहुत अच्छा है। मैं सुमन हूँ जो सर्वगुण संपन्न बहू की सास है, सो बहू का तो डायरेक्ट रिश्ता सास से होता है, सो जब बहू बहुत ख़राब सी होती है, बहुत गंदा खाना बनाती है, सब कुछ ख़राब करती है, तो भी सास को सुनना पड़ता है, लेकिन यहाँ मामला ये है कि बहू सर्वगुण संपन्न है तो जो कुछ गुजरेगी वो सास पे ज़रूर गुजरेगी। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन? ऑन स्क्रीन कैरेक्टर बहुत अच्छा है और बहुत सारे शेड्स हैं उसके, सो आई एम एन्जॉइंग इट लाइक एनीथिंग, और ऑफ स्क्रीन हमारी टीम बहुत अच्छी है, मेरी कुछ पर्सनल सेटबैक्स चल रहे थे उसके बीच में मैंने इसे ज्वाइन किया, तो एक बहुत फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर है, सो एन्जॉइंग अलॉट। थैंक यू। बूम लगा दो। नर्वसनेस है पर बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज हम कब से वेट कर रहे हैं इसका आने का और बहुत हाइप है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा इसे, लाइक आई एम होपिंग। किस तरह से मेरा किरदार है काव्या मित्तल का, जो कि मित्तल फैमिली की दूसरी बहू है और जो अभी रिसेंटली आई है घर में और कैसे फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती उसे, लेकिन जानवी मित्तल एक्सेप्ट करती है जो कि सर्वगुण संपन्न बहू है इस घर की, सो मेरे लिए तो वो परफेक्ट भाभी हैं और वो ही सबके दिलों में मेरे लिए जगह बनाएंगे शायद। यस, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है थोड़ा सा डिफरेंट है जीजी माँ से और ये थोड़ी डिग्निफाइड लड़की है, गर्ल ऑफ फ्यू वर्ड्स है, ज़्यादा बोलती नहीं है लेकिन बहुत कंपोज्ड एंड काम लड़की है, लेकिन जब स्टैंड लेना होता है तो वो बिल्कुल खड़ी होती है, तो बेसिकली काव्या मित्तल एक पॉजिटिव फोर्स है इस शो का जो कि आगे जाके और अनफोल्ड होगा। किस तरह का एक्सपीरियंस ऑफ स्क्रीन? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि कास्ट बहुत ही बड़ी और गुड एक्टर्स, मतलब बहुत अच्छे एक्टर्स हैं एंड ऑल आर वेरी फ्रेंडली और क्योंकि पहली बार सबके साथ काम कर रही हूँ तो बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत ही अच्छे लोग हैं सबके सब। इट्स वेरी सैडनिंग कि एक त्यौहार वाले दिन आप उनके टेंपल पे मतलब चर्च में ये होना, इट्स वेरी सैडनिंग और बहुत ज़्यादा बुरी बात है, बट क्या कर सकते हैं, बट हम मेरी सबके सामने मतलब सब लोगों के साथ सहानुभूति है और प्लीज़ ऐसे उदास मत होइए। थैंक यू। सर सर रुक।
नया शो है स्टार का, बड़ी उम्मीद है, बहुत जोश है और उम्मीद करता हूँ कि लोगों को भी शो पसंद आएगा। इसमें इंट्रीग है, सस्पेंस है, बहुत कुछ है और कोशिश ये है कि हर शो से हटकर जो नॉर्मल सास बहू होती है उससे हटकर कुछ नया, एक नया वापस एक कहानी का एक रुतबा दे। तो देखिए अब कल हमारा रिलीज है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। किस तरह का कैरेक्टर है? जैसे कि आप देख सकते हैं पीके एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, जाना पहचाना इंसान है अपने सोसाइटी में और उसकी एक फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ है, दो बेटे हैं और बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और वो छोटे बेटे की शादी करवाना चाह रहे हैं। ड्रामा ही ड्रामा। लुक प्लीज वॉच एक भ्रम सर्वगुण संपन्न एंड गिव अस ऑल योर लव। थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी तक देखा नहीं है कोई भी फुटेज को और कोई भी एपिसोड को हमने, अभी तक बस हम शूट करे जा रहे हैं। सो यार लेट्स सी, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि हर कैरेक्टर कैसा लग रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ, ऑब्वियसली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। क्या एक मिनट फिर से बोलिए। नहीं, प्रोमोज तो मेरे हिसाब से काफ़ी आए हैं, मतलब जितना हम दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से आई थिंक इनफ है, बिकॉज उससे ज़्यादा दिखाएंगे तो बहुत कुछ रिवील हो जाएगा और बहुत हमने सरप्राइज एलिमेंट भी छोड़ा हुआ है ताकि लोग जब देखें एपिसोड तो उनको समझ आए कि यू नो हर कैरेक्टर क्या है, क्या कर रहा है, सबकी शेड्स क्या हैं, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, तो हम सब कुछ हम प्रोमोज में रिवील नहीं करना चाहते थे, तो हमने प्रोमोज वैसे ही बनाए हैं यू नो एकदम टू द पॉइंट। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मेरे कैरेक्टर का नाम है ध्रुव मित्तल, जो घर में सबसे बड़ा है, बड़ा बेटा है घर का, बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है, आप कह सकते हो आज का राम है वो, और सबको बहुत प्यार करता है, अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करता है, अपनी बीवी जानवी को बहुत प्यार करता है, अपने भाई को और भी ज़्यादा प्यार करता है, भाई तो इनफैक्ट उसका दोस्त की तरह है, मतलब हम दोनों में इक्वेशन ऐसी है कि हम बोलते हैं कि यार हम भाई कम हैं, हम दोस्त ज़्यादा हैं, वे लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, और पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है, कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करता, पेरेंट्स के कभी अगेंस्ट नहीं जाता है ये, तो और बाकी ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, बिजनेस संभालता है, इज अ बिजनेसमैन टू। अच्छा, श्रीलंका में जो हुआ है इट्स वेरी सैड, वेरी मैं क्या बोलूँ, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास चीज़ को बोलने के लिए, बिकॉज एक आप रिलीजियस प्लेस पे जहाँ पे लोग वर्शिप कर रहे हैं और खासकर आज के दिन जहाँ ईस्टर है, वैसी जगह पे करना आई थिंक इससे बड़ी कवर्ड है, इट्स अ वेरी कवर्ड थिंग टू डू, वेरी सैड। मैं से बोलना चाहूँ कि प्लीज़ हमारे शो को देखिए, इसमें बहुत कुछ थ्रिलिंग एलिमेंट है जो आपको एकदम ही क्यूरियस रखेगा कि आगे होने क्या वाला है शो में, और हमारे शो में हर बार कुछ ऐसी ऐसी स्टोरीज चलती रहेंगी फैमिली के अराउंड जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। आई थिंक everyone should watch the show 7 PM on weekdays on Star Plus. Thank you. हाँ सरप्राइज, इसलिए मैंने नहीं बोला, इसलिए मैं देख नहीं रहा था, मैं देख रहा था सुलग रहा है। हाँ चलिए किधर क्या करना है? हेलो, हॉट यार, अंदर जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं? I invited you to drink. Oh, that's okay. I had a long walk. Yeah. Okay. Bite.
क्या कहना चाहूँगा, विशिंग देम ऑल द बेस्ट। जब भी कोई नया काम शुरू होता है टेलीविजन पे, सबको चाह रहती है कि कुछ नया हिस्टोरिकल होगा और हिस्ट्री क्रिएट करेगा। मेरे दोस्त इसमें हैं, छोटे भाई सवान जैन, और उसको और मैं सारे क्रू को विश करता हूँ, एंड इट्स लुकिंग इंटरेस्टिंग, एंड उम्मीद करता हूँ कि सुपर हिट होगा। सबकी एक्टिंग के लिए एक का नाम लूँगा तो ऐसे वापस जाना पड़ेगा, लेकिन आई विश देम ऑल द बेस्ट। सॉरी यार, सारे जितने भी हैं, सारे हमारे दोस्त हैं, लोगों के, कई लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, कई लोगों के साथ अभी दोस्ती हुई है, तो सबको मैं कहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई एम श्योर टेलीविजन में इतना टैलेंट है, किसी एक का नाम लेना बहुत गलत होगा, सो ऑल द वेरी बेस्ट। हो गया क्या ले हम लोग सबसे पहले हमारे प्यारे दोस्त जैन को ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे, हम आज जैन को सपोर्ट करने आए यहाँ पर, एंड बिकॉज पूनम जैन की को एक्ट्रेस रह चुकी है नामकरण में, सो आई थिंक मुझसे ज़्यादा पूनम एक्साइटेड है। So yeah, I just want to wish him all the best, all the luck to you. जैसे नामकरण में उसने इतना अच्छा काम किया, आई होप वो इस शो में भी बहुत अच्छा काम करे और ये शो भी नंबर वन हो जाए। सॉरी, प्रोमो इज़ रियली गुड एक्चुअली, प्रोमो बहुत कैची है। नाउ डेज मोस्टली जो शोज़ है वो सुपर नेचुरल पावर में बन रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट पे बन रहे हैं, एंड दिस कॉन्सेप्ट लुक्स रियली डिफरेंट, सो आई एम रियली एक्साइटेड कि कुछ नया आया है टीवी पे। सो हाँ, प्रोमो एक क्यूरियोसिटी बिल्ड करता है, मैंने काफ़ी बार इसका प्रोमो देखा, एंड सर्वगुण संपन्न नाम से लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव जॉनर है, बट जिस तरह का प्रोमो बनाया है ऐसा लगता है कि वो इट्स गोइंग टू बी अ थ्रिलिंग राइड, तो बहुत ही क्यूरियोसिटी बिल्ड करता है। तो आई विश ऑल द लव एंड लक टू द होल टीम ऑफ दिस शो, एंड स्पेशली टू जैन जो हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। बहुत ही सैड इंसिडेंट है, इस तरह के इंसिडेंसेस हमें ऐसा फील कराते हैं कि हम इस एरा में क्यों रहते हैं जहाँ पे इतनी हेटरेड है। अभी एक महीने पहले न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ था और अब श्रीलंका में ऐसा हुआ है, सो बहुत ही अजीब लगता है, बहुत ही यू नो सैड फील होता है कि इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। हमारी कॉन्डोलेंसेज उन सारे लोगों के साथ है, श्रीलंकन्स के साथ है, हमारी नेबरिंग कंट्री बहुत ही पीसफुल कंट्री है, सो आर हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेज टू ऑल दोज पीपल हु हैव लॉस्ट देयर नियर एंड डियर वंस, एंड वी जस्ट प्रे एंड होप कि दिस वर्ल्ड बिकम्स अ हैप्पियर एंड अ पॉजिटिव प्लेस टू लिव इन, ना कि ऐसे हमले हों। सो बहुत ही सैड इंसिडेंट है। थैंक यू। कैसे हो गया, वन टू थ्री को रोल एक्शन साइड में, वो दिख रहे ही चलो पीछे आ जाओ, चलो थोड़ा आगे जाओ। मैडम जी सब लोग
ये लड़की ना इतनी लंबी लंबी होती है आजकल, क्या बताएं क्या सब क्या बताएं। माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट शो एंड सच अ ग्रेट स्टार कास्ट। मैंने पहले भी शो किया था, एक कास्ट है ऐसी भी जो स्टार प्लस पे था, एंड दिस इज माई सेकेंड शो ऑन स्टार प्लस, सो आई एम रियली हैप्पी एंड कम्फर्टेबल। जी, मैं ईशानी का कैरेक्टर निभा रही हूँ एंड मैं हूँ श्रेनु यानी कि जानवी मित्तल की छोटी बहन। और जैसे कि आपने प्रोमो में देखा होगा, जानवी जो मेरी ओल्डर सिस्टर है मुझे इतना प्यार करती है कि वो चाहती है कि मेरी और जैन यानी अपने छोटे देवर की शादी वो करवाना चाहती है ताकि हम दोनों बहनें एक ही घर में रह पाएं। लेकिन उसके बाद में जो प्रोमो में हुआ है उसके बारे में बताएंगे? हाँ, उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ा सा डरा दिया कि तुम्हारे पति के साथ कुछ भी हो सकता है, बट मुझे अपनी बहन पर पूरा यकीन है कि वो मुझे बहुत प्यार करती है और सब कुछ अच्छा ही सोचेंगी मेरे लिए। ऑफ स्क्रीन भी बहुत बढ़िया रहा, सब इतना अच्छे से रहते हैं, सब साथ में खाना भी खाते हैं दोपहर को, बहुत मज़ा आता है, बहुत डाउन टू अर्थ है सब लोग एंड बहुत फन भी है, बहुत मस्ती भी करते हैं, बहुत प्रैंक्स भी खेलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। जी, ऑन स्क्रीन एक्सपीरियंस मैं कहूँगी मेरे खुद के कैरेक्टर के बारे में कि मैं हमेशा जानवी यानी कि अपनी बड़ी बहन को फॉलो करती हूँ, वो अपने दिमाग से सोचती हैं और मैं अपने दिल से सोचती हूँ, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है एंड आई होप वी मेक अ ग्रेट टीम। जी, इट्स रियली रियली सैड, कल मैं चर्च में थी बिकॉज आई सेलिब्रेट ईस्टर एंड मुझे बहुत कल जब मैं चर्च में भी थी मुझे बहुत एक्चुअली डर लग रहा था कि ऐसा कुछ हो ना जाए एंड आज ऐसे सुन के बहुत दुख की बात है। आई थिंक इंडिया इज़ अ वेरी सेक्युलर कंट्री, सो वी शुड ऑल फील रियली प्राउड कि हम सब साथ में मिलकर रहते हैं एंड कंडेम सच अटैक्स दैट आर हैपनिंग आइदर इन श्रीलंका और एनीवेयर एल्स। फैंस को मैं ये कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड अप्रिसिएशन, आपने बहुत प्यार दिया। मेरी जो फेसबुक फॉलोइंग है, इंस्टाग्राम फॉलोइंग है, प्रोमो के बाद ऐसे एस्केलेट हो चुकी है, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको प्रोमो भी बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड प्लीज़ डू वॉच द शो। थैंक यू। Thank you. Thank you.